हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल NVS एकेडमी पर। मैं नरेंद्र सिसोटी आपकी सेवा में हाजिर हूँ एक बेहतरीन सेशन लेकर। देखिए, अपन बात कर रहे थे अनुपात समानुपात टॉपिक के बारे में, ठीक है। अभी तक मैं उसमें से कुछ टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूँ, कुछ टाइप के क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। तो आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अपनी निजी जीवन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है, देखिए, आय और व्यय पर आधारित जो पर्सन बनते हैं, यानी कि अपनी जो इनकम होती है और उसमें से अपन खर्च जितना कर देते हैं और तो बचत कैसे निकालेंगे, ऐसे क्वेश्चनों के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए, सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा और अगर सेशन पसंद आए तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। देखिए, सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चनों का टाइप है आय व्यय पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सेशन को कंप्लीट देखने के बाद में अगर सेशन पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। देखिए, क्वेश्चन है, ए और बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है। तो पहले तो इनका अपन रिलेशन समझ लेते हैं। तो रिलेशन कैसे बनता है भाई, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। तो देखिए, तीन चीज होती है अपने पास में। एक तो होती है इनकम, ठीक है। आय बराबर होती है किसके, बचत और खर्च किए गए यानी कि व्यय के योग के बराबर होती है, ठीक है, खर्च या व्यय, ठीक है। तो आय होती है वो बचत और खर्च के योग के बराबर होती है। इनमें से कोई दो चीजें दी गई हो तो अपन ऑटोमेटिक निकाल लेंगे, ठीक है। जब खर्च पूछा जाएगा तो देखिए आय में से बचत को माइनस कर देंगे, जब बचत पूछी जाएगी तो आय में से खर्च को घटा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन की डील करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, ए और बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में है। तो ए और बी हैं, उनकी वार्षिक आय है वो 4:3 के अनुपात में है, ठीक है। ये किसका रेशियो हुआ, आय का। आगे कहता है, तथा उनके वार्षिक व्यय का अनुपात दे रखा है कितना, 3:2, ठीक है। यदि इनमें से प्रत्येक वर्ष के अंत में 600 रुपये बचाता है, यानी कि प्रत्येक की बचत जो है वो 600 रुपये है। देखिए, अब यहां से देखेंगे, पहले तो आय और व्यय दे रखी है तो बचत इन दोनों का डिफरेंस के बराबर होगी। तो डिफरेंस कितना हुआ, यहां से 1:1, यहां से भी कितना, 1:1, ठीक है। तो यहां से बचत जो के रूप में अनुपात आया 1:1 और 1:1, दोनों कंडीशन में समान होने की वजह से देखिए क्या होगा। अगर इनडायरेक्ट रूप से वैल्यू 1:1 है तो डायरेक्ट रूप से 1:1 की वैल्यू कितनी हो गई है, 600 रुपए, ठीक है। तो जैसे ही 1:1 का मान अपन लोगों को पता चला तो 1:1 के मान को प्रत्येक अनुपात से गुणा कर देंगे तो वो राशियां हैं वो ओरिजिनलिटी में बदल जाएंगी। अब इसने पूछा क्या है कि एक की वार्षिक आय क्या है, तो एक का वार्षिक जो है अनुपात वो कितना है, 4:1। 1:1 की वैल्यू है 600 रुपये, तो 4 की कितनी हो जाएगी भाई साहब, 2400 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर बना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, नए नए कंसेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। अब देखिए, आय का अनुपात तो दे रखा है, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, तो उनकी आय का अनुपात तो है 5:3 और व्यय का अनुपात है 9:5। अब इस कंडीशन में देखिए, आय तो कोई व्यक्ति, मान लीजिए इन्हें मैं रुपए के रूप में मानता हूं, तो कोई व्यक्ति 5 रुपए कमाता है और खर्च 9 रुपए कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद में भी बचत हो रही है 2600 रुपए और 1800 रुपए की। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूं भाई, इस कंडीशन में करना क्या है साहब, कि इसमें लगाना है DRS यानी कि डबल रेशियो सिस्टम का सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो DRS का सेकेंड पार्ट लगाएंगे इसमें। तो देखिए, DRS का सेकेंड पार्ट है वो ये कहता है, देखिए, कि भाई 5 से 9, ठीक है। अब इसमें क्या, एक तो बचत करता है 2600 रुपये की और दूसरा बचत करता है कितने की, 1800 रुपये की, ठीक है। तो बचत को मैंने देखिए इन दोनों के बीच में ले लिया है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो एक तो बार तो 1800 रुपए है, एक बार 2600 रुपए है, ठीक है।
तो इस कंडीशन में क्या होगा जब डीआरएस सेकंड की बात होगी, तो देखिए इस राशि को तो इस अनुपात के साथ में गुणा किया जाएगा और इस राशि को इस अनुपात के रूप में गुणा किया जाएगा। तो गुणा करके और इन दोनों का अंतर ले लेना है, तो 2600 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13,000 रुपये। ठीक है, उसमें से घटाएंगे, 18 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 16,200 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस उसमें भाग देना है। दूसरे अनुपात को तो ऊपर वाले पहले अनुपात से गुणा करना है और पहले अनुपात को ऊपर वाले दूसरे अनुपात से गुणा करना है और उनका अंतर लिख देना है, तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 27। ठीक है, तो आंसर बना कितना भाई, ठीक है, 13,000 और 16,200 में अंतर बना 3200 रुपये का, 25 और 27 में अंतर बना -2 का। ठीक है, दोनों माइनस की होने की वजह से इन्हें प्लस में बदल लेंगे। अनुपात की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1600 रुपये। ये जो वैल्यू आती है डीआरएस सेकंड में, इसे हमेशा ऊपर वाले अनुपातों से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, ऊपर वाले अनुपातों से गुणा करते हैं। देखिए वीडियो को पुश करके इस चीज को लिख लेना कि जब भी ऐसी कंडीशन हो डीआरएस सेकंड लगाया गया हो तो उस कंडीशन में जो 1:1 की वैल्यू आती है, यानी कि ऐसा कुछ करने से ये जो वैल्यू आती है वो 1:1 के बराबर होती है। और 1:1 की वैल्यू कौन से के बराबर होती है, ऊपर वाले ये, तो ओरिजिनल वैल्यू बनाने के लिए इस अनुपात की 1:1 की वैल्यू को ऊपर वाले अनुपातों से ही गुणा किया जाता है। तो ऊपर वाले अनुपातों से गुणा करेंगे तो ऊपर वाले अनुपात क्या है, 5 और 3, और किसके अनुपात हैं, आय के अनुपात हैं 5 और 3। ठीक है, तो उनकी आय क्या होंगी, तो आय कितनी हो जाएंगी भाई साहब, एक बार तो देखिए एक की आय तो पहले पर्सन की आय तो 5:1 है, तो 1:1 की वैल्यू है 1600 रुपये। ठीक है, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 8,000 रुपये। और दूसरे व्यक्ति की जो आय है वो है 3:1, तो 1:1 की वैल्यू है 1600 रुपये, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 4800 रुपये। ठीक है, तो आंसर कौन सा बना भाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपने अच्छी तरह से समझा कि डीआरएस सेकंड होता क्या है। डीआरएस सेकंड में देखिए क्या होता है, नीचे वाले अनुपातों को दूसरे अनुपात को तो पहली वाली संख्या से और पहले वाले अनुपात को दूसरे वाली संख्या से गुणा करके उनका अंतर निकाला जाता है, और फिर अनुपातों को अनुपातों से गुणा करके उनका अंतर निकाला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका रिजल्ट बना 8,000 और 4800 रुपये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 है, तो ए और बी की आय का अनुपात कितना है, ए और बी की आय का अनुपात है 5:3। अब क्या कहता है, ए बी और सी के व्यय 8:5:2 के अनुपात में है। ठीक है, व्यय का अनुपात दे रखा है कितना, 8:5:2। देखिए ये तो दोनों कंडीशन में इनडायरेक्ट वैल्यू हो गई। ठीक है, ये दोनों कंडीशन में इनडायरेक्ट वैल्यू दोनों अनुपातों के रूप में दी गई है। अब इसने एक चीज देखिए यहां से एक चीज बता दी है कि यदि सी का व्यय 2,000 रुपये है, यानी कि सी का व्यय कितना है, 2,000 रुपये। कितने रेशियो की वैल्यू है भाई, 2 रेशियो की वैल्यू, तो हर एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,000 रुपये। तो अपन किसी का खर्च भी निकाल सकते हैं, तो किसी का खर्च निकालेंगे तो यहां से देखिए इसका खर्च कितना है, 1:1 की वैल्यू 1,000 रुपये है, तो 5:1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 5,000 रुपये। अगर 1:1 की वैल्यू 1,000 है तो 8:1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000 रुपये। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि देखिए इसने कहा है आगे बी की बचत 7,000 रुपये है, तो देखिए आय होती है वो किसके बराबर होती है, बचत और खर्च के योग के बराबर होती है। ठीक है, यहां से खर्च बी का कितना है भाई, बी का खर्च है 5:1 और ओरिजिनलिटी में वो कितना है, 5,000 रुपये। तो देखिए ये 5,000 रुपये तो इसका खर्च हो गया, बचत कितनी है, 7,000 रुपये, तो कुल मिला के उसकी आय कितनी हुई भाई, 12,000 रुपये। ठीक है, तो बी की आय 12,000 रुपये है, तो देखिए बी का रेशियो के रूप में वैल्यू कितनी है, 3, तो हर एक रेशियो के रूप में जो आय वाला है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 4,000 रुपये। ठीक है, अब ए की आय कितनी हुई,
₹4000 के हिसाब से एक की आय देखिए 5:1 की वैल्यू 4000 के हिसाब से कितनी बन जाएगी ₹20000। ठीक है, इसने कहा कि एक की बचत ज्ञात करो, तो एक का एक की आय तो है ₹20000, उसमें से 8000 खर्च कर देता है, तो बचत कितनी बचेगी भाई, 20000 में से 8000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, जो बचत है वो बन जाएगी कितनी, 20000 माइनस 8000 बराबर कितनी बन जाएगी, 12000। ठीक है, तो अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ए बी और सी की आयों का अनुपात है 3:7:4। ठीक है, देखिए आय का अनुपात दे रखा है किसका, ए अनुपात बी अनुपात सी का दे रखा है 3:7:4। ठीक है, उनके व्यय का अनुपात है कितना, 4:3:5। ठीक है, यदि ए ₹2400 की आय में ₹300 बचत करता है, तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, ए है उसकी आय है रुपए के रूप में ₹2400, तो हर एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ₹800, तो इसकी कितनी हो जाएगी आय ₹5600, इसकी कितनी हो जाएगी भाई 800 से गुणा करेंगे तो ₹3200। ठीक है, अब जो कहता है वो सुनिए कि ये जो है वो बचत करता है, बचत करता है कितनी ₹300। ठीक है, तो ए बचत करता है ₹2400 में से ₹300। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं, देखिए ये बचत करता है 2400 में से कितने रुपए की, ₹300 की, तो ₹300 की जब बचत करेगा तो खर्च कितना करेगा भाई, ₹2100। तो यहां से देखिए एक रेशियो चार रेशियो की वैल्यू ₹2100 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ₹525। ठीक है, अब ये कहता है बी और सी की बचत ज्ञात करो, तो देखिए बी और सी की इनकम तो मुझे पता है ₹5600 और ₹3200 है, अब इनका खर्च और निकाल लेता हूं, क्योंकि खर्च के एक रेशियो की वैल्यू मुझे पता चल चुकी है ₹525 होती है, तो इनका अलग अलग मान दे रखा है, एक का तो मान है 3:1, तो एक रेशियो की वैल्यू है 525, तो 3 की कितनी हो जाएगी भाई ₹1575। ठीक है, अब सी का व्यय अनुपात के रूप में 500 है और रुपए के रूप में एक अनुपात की वैल्यू होती है ₹525, तो 5 की कितनी हो जाएगी ₹2625। ठीक है, देखिए इसकी आय भी मुझे पता है, इसका खर्च भी मुझे पता है, तो बचत मैं निकाल लूंगा कैसे, आय में से अगर मैं खर्च को घटा दूं तो किसके बराबर बचेगा, बचत के बराबर। ठीक है, तो बी के लिए तो क्या होगा भाई, बी की आय कितनी है ₹5600, उसमें से कितना निकालेंगे ₹1575, तो आंसर कितना आएगा भाई ₹4025। ठीक है, सी के लिए जो बचत होगी वो कितनी होगी, ₹3200 वो कुल मिला के कमाता है, उसमें से ₹2625 वो खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना भाई, देखिए 10 में से 5 निकालेंगे तो 5 यहां बचेगा, 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, ठीक है यहां बचा हुआ है 1, एक हासिल इधर से लेंगे तो 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 5, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। ठीक है, तो बी की बचत तो हुई ₹4025 और सी की बचत हुई ₹575, तो कौन से ऑप्शन में आया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इन क्वेश्चनों को डील करेंगे। अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो कृपया ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेस्ट ऑफ लक, और मेरे साथ बने रहने के लिए एनवीएस एकेडमी पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।